नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रयागराज से मिल रही है। यूपी के डॉन ब्रदर्स की प्रयागराज में हत्या कर दी गई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारी गई। पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में हत्या हुई है। अतीक अशरफ को बताया जा रहा है कि 20 गोलियां मारी गई हैं। कैमरे पर मीडिया को अतीक अशरफ बयान दे रहे थे, ठीक उसी वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोली मारी। पहले बंदूक की नली से अतीक अहमद की पगड़ी उछा ली, उसके बाद फिर गोली मार दी। अतीक अहमद को सिर से लेकर पैर तक दर्जनों गोलियां मारी गई। ताबड़तोड़ दर्जनों गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद तीनों अपराधियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। प्रयागराज समेत पूरे यूपी में इस घटना के बाद अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अब ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें इतनी सामान्य नहीं है। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं और माफिया ढेर पड़े हुए, लेकिन ये 3 हमलावर थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एकाएक इस तरह से तीनों हमलावरों ने, और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं किस तरह से तीनों हमलावरों ने खुद को सरेंडर भी किया। दरअसल अतीक और अशरफ का मेडिकल करवाने के लिए पुलिस दोनों को ही यहां पर लेकर पहुंची थी, अस्पताल लेकर पहुंची थी, और उसी दौरान ये पूरी वारदात होती है। इस हत्या में 3 हमलावर शामिल हैं और तीनों आरोपियों ने सरेंडर किया। पुलिस ने मौके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया इस घटना के बाद। जमीन पर पड़े हैं यूपी के डॉन ब्रदर्स। अब देखिए ये है उस घटना का वीडियो, ये उस वक्त का वीडियो है। अतीक अशरफ मीडिया को बयान दे रहे थे, अशरफ मीडिया को कुछ बता रहा था, उसी वक्त फायरिंग शुरू हो जाती है। तो ये बताया जा रहा है कि अतीक अशरफ को 20 गोलियां मारी गई। यूपी के डॉन ब्रदर्स का ये हाल होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तमाम सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ को जिस तरह से गोली मारी गई, और आप देख सकते हैं ये देखिए तस्वीर में। अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है जो प्राथमिक जानकारी अभी प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ आने पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था, और मीडिया के लोग पत्रकार साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए, और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं, और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। क्या हो रहा है? इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है, तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो इसमें भागे दौड़े हैं, तो उनको गिरने से चोट आई है। तो ये पुलिस की ओर से बयान सामने आया। पुलिस का ये कहना था कि ये जो हमलावर थे ये मीडिया पर्सन बन के आए थे, पत्रकार बनकर यहाँ पर आए थे, इसलिए इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका, इनकी जानकारी नहीं मिल पाई। इसके साथ ही साथ आप अब ये घटना का जो फुटेज सामने आया, दरअसल उस समय बयान ही चल रहे थे, अशरफ अपनी ओर से बयान ही दे रहा था, मीडिया ने कुछ सवाल उससे किया था, और उस दौरान ही आप देख सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई।
अतीक अशरफ की हत्या के बाद उच्च स्तरीय बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की, प्रयागराज की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यायिक जांच आयोग के गठन के भी निर्देश दे दिए हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश दे दिए गए हैं। 75 जिलों के डीएम और एसपी को भी अलर्ट किया गया है। शहर में निगरानी बनाई जा रही है। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। आपातकाल बैठक हुई। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश दे दिए हैं। हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। 75 जिलों के एसपी और डीएम को भी निर्देश दे दिए हैं। तो अतीक अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक हुई और सीएम ने साफ तौर पर इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी कि अब एक कमेटी बनेगी और 3 सदस्यीय न्यायिक जांच के गठन के आदेश दे दिए हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। तो अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। इसके साथ ही साथ 75 जिलों के डीएम और एसपी को भी अलर्ट पर रहने के लिए कर दिया गया है। तो यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा एनसीआर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रयागराज में पुलिस हाई अलर्ट पर है। कानपुर पुलिस ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो नोएडा एनसीआर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रयागराज में भी हाई अलर्ट है। इसके साथ ही साथ प्रयागराज की घटना के बाद कानपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अतीक और अशरफ की कल प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी और 3 आरोपियों ने मामले पर सरेंडर किया है। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की और उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने बाकायदा इस घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। एक कमेटी बनेगी जो इस पूरी घटना की जांच करेगी। और हमारे साथ संवाददाता संदीप तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, वाकई किसी ने सोचा भी नहीं होगा और जिस तरह से लगातार आप लोग इंडिया न्यूज के माध्यम से कवरेज दिखा रहे हैं, पर वाकया ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल हाई अलर्ट की क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा व्यवस्था में, क्योंकि हाई सिक्योरिटी के बीच अतीक अहमद और अशरफ को रखा जा रहा था और वही साथ ही मेडिकल के लिए जब उनको लाया गया यहाँ कालबिन हॉस्पिटल में, उस दौरान जैसे ही मीडिया ने सवाल किया, अभी कुछ बोल पाता अतीक अहमद, उसके पहले ही उसके सर में गोली मार दी गई और वो गिर जाता है। वही दूसरी तरफ अशरफ और अतीक के ऊपर तीनों हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक है, कानून व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक है। अब उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाई अलर्ट कर दिया गया है, प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब और सड़क पे जितने भी इलाके हैं प्रयागराज के, वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया है और सभी जो भी सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर इस तरीके की किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, बवाल हंगामा जैसा कुछ भी हो सकता है, वहां सभी जगह आरएएफ और पुलिस तैनात कर दी गई ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, ना ही किसी आम जनमानस को किसी तरीके की कोई असुविधा हो और सड़कों पर भी कोई उतरने ना पाए। फिलहाल पूरी तरीके से प्रयागराज में हाई अलर्ट है और एक धारा 144 लागू होने के साथ ही पुलिस भी एक्टिव हो गई है। बिल्कुल संदीप, मैं इस बात का जिक्र भी करना चाहूंगा क्योंकि जब असद को दफनाया जा रहा था आप उस वक्त मौजूद ही थे
और आपने इस बात को ही बताया था कि यहाँ पर मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है, बाकायदा एक एक व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड देखा जा रहा है, यानी कि इतनी तमाम पुख्ता व्यवस्था पुलिस की ओर से थी, उसके बावजूद पुलिस की नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होगा। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि वो मीडिया कर्मी बन के आए थे, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाए। जी आइडेंटिटी कार्ड टांग रखा था, एनसीआर न्यूज नाम से माइक आईडी ले रखी थी, कैमरा उसके पास था, वो बाकायदा एक पत्रकार के तौर पर अंदर घुसे थे, और जिस दौरान मीडिया अतीक अहमद और अशरफ से सवाल पूछ रही थी गुड्डू मुस्लिम के बारे में, उसी दौरान जैसे ही अतीक अहमद बोलने की कोशिश करता है उसके सर में बहुत करीब से गोली मार दी जाती है, और जैसे ही वो गिरता है लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना तीनों हमलावर शुरू कर देते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। मौके पर ही दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। इसके बाद तीनों जो है जो हमलावर थे जो मारने आए थे उन्होंने पिस्टल फेंकी और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया बाकायदा हाथ उठाते हुए। बिल्कुल, अब ये बताया जा रहा है संदीप कि 75 जिले के डीएम एसपी को भी अलर्ट किया गया है, तमाम थाना प्रभारियों को, प्रयागराज की भी जानकारी मिल रही कि इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय लिया गया है। देखिए अभी चूंकि अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती हैं और उसका सबसे बड़ा माध्यम जो है वो सोशल मीडिया है, तो यहाँ कोशिश जरूर की गई थी, कल रात से ही इस बात की चर्चा थी कि इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है जी। लेकिन संभावना ये जरूर जताई जा रही है कि अफवाहें ना फैलें और एक दूसरे को किसी भी तरीके की गलत सूचना ना पहुंचे, इसके लिए हो सकता है कि नेट को बंद कर दिया जाए। हाई अलर्ट मोड पे प्रयागराज है, पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट मोड में है, लेकिन प्रयागराज विशेष करके यहाँ पर धारा 144 भी लागू कर दी गई, एक साथ कई लोगों को इकट्ठे होने पे सख्त पाबंदी है, और एक एक चप्पे पर जो भी सेंसिटिव इलाके हैं इस तरीके के वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई और लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है तमाम अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के द्वारा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी आप तक पहुँचा रहे थे।